वेलकम टू द ब्रांड न्यू लेक्चर जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं जेई एडवांस्ड का 2019 वाला पेपर 2। और आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 के अंदर 2019 के अंदर दो तो थे सब्जेक्टिव, मतलब लिस्ट मैच करने वाले ऑप्शंस, और बाकी जो दो थे वो भी लिस्ट मैच करने वाले ऑप्शंस थे और पैराग्राफ बेसिस पे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इज मेड फ्रॉम फोर डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स, 1, 2, 3, 4 सब कुछ दे दिया हमें, विथ मास पर यूनिट लेंथ म्यू, 2 म्यू, 3 म्यू, 4 म्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग्स बाय वेरिंग द लेंथ इन बिटवीन द रेंज एल नॉट टू 2L0। It is found that in string 1 at free length T0 and tension T0, the fundamental mode of frequency is L. List 1 gives the above 4 strings while list 2 lists the magnitude of some quantity. Okay, so चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है, if the tension in each string is T0, the correct match for the highest fundamental frequency is. अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो fundamental frequency होती है that is equal to 1 upon 2L into under root of T0 अपॉन म्यू। क्या ही समझ में आता है? और अगर हमें ये समझ में आता है तो क्या मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/√μ के बराबर। मानते हो ये बात? So, क्या मैं कह सकता हूँ कि F1 की वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए? देख लो, स्ट्रिंग्स है यहाँ पे इस तरीके से, करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, द टेंशन इन स्ट्रिंग इज द करेक्ट ऑफ द हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन F0 यूनिट्स विल बी। सो अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये है F इज इक्वल टू K अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू, तो क्या पहले वाले की वैल्यू इतनी ही आ गई? दूसरे वाले की वैल्यू, क्योंकि म्यू की वैल्यू 2 म्यू के बराबर है, तो के यू कहूं मैं F1/√2 हो जाएगी। F2 की वैल्यू F1/√3 हो जाएगी। F4 की वैल्यू F1/√4 या फिर F1/2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं हम। सो इसका आंसर हो गया हमारे पास कितना, फर्स्ट का आंसर हो गया हमारे पास P1 के बराबर। ठीक है ना, सेकंड हो गया R, थर्ड हो गया S, एंड फाइनली फोर्थ हो गया Q। सो P, R, S, Q, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The length of the strings 1, 2, 3, 4 are kept fixed at L0, 3L0/2, 5L0/4, 7L0/4 respectively. Strings 1, 2, 3, 4 are vibrated at their first, third, fifth and 14th harmonics such that all the strings have same frequency. अब यहाँ पे बहुत important है, same frequency. यानी F0 is equal to 1/2L into under root of L0, है ना, into under root of T0 upon mu, which is equal to 1/2 times 3L0/2 into under root of T2 upon 2 mu, which is equal to 1/2 times 5L0/4। से गलती कर दी हमने, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक है और यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक है, अंडर रूट ऑफ T3/3 mu, एंड विच इज इक्वल टू 14/2 times 7L0/4 अंडर रूट ऑफ T4/4। देख लो क्या इतना क्लियर है? अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए और इनको सॉल्व करने के लिए जाएं, तो अगर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूं तो व्हाट डू आई गेट, ये तो खत्म हो जाएगा। सो आई गेट दिस वैल्यू एज, इधर तो 2 रखें, 3 से 3 खत्म, 2, 4 उतर जाएगा, यानी T2 की वैल्यू आ जाएगी T0/2। सिमिलरली T3 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 से 5 खत्म, 4, 4 into 4, 16, यानी 3/16 T0। T4 की वैल्यू कितनी आएगी, T4 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? So, T4 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं कि 7 है ना यहाँ पे, तो 7 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7 से 7 कटेगा, 4 into 2, 8, 8 into 8, 64, 64 by 4 is 16, so, ये हो जाएगा मेरे पास T0/16। देख लीजिए, चलिए मैच करते हैं।
सो ऑप्शंस के अंदर स्ट्रिंग वन के लिए तो भाई पी ही हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको डिफरेंट कलर में देता हूँ, तो स्ट्रिंग वन के लिए तो पी ही हो जाएगा। अगले के लिए टी नॉट बाय टू, टी नॉट बाय टू मतलब क्यू, ठीक है भाई। उसके अगले के लिए 3/16 टाइम्स टी नॉट, 3/16 टाइम्स टी नॉट, यानी हो गया टी। उसके अगले के लिए टी नॉट बाय 16, टी नॉट बाय 16 है यू के पास, सो क्या ये मेरे पास आंसर आ गया पी क्यू टी यू, पी क्यू टी यू, तो देखो भाई इसमें मैच कर रहा है, इम्प्लाइज ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एक और पैराग्राफ, अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्या बोलता है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस द इनफाइनाइटसिमल हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज गिवन बाय टी डेल्टा एक्स, वेर टी इज अ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, डेल्टा एक्स इज द इनफाइनाइटसिमल चेंज इन अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एक्स ऑफ द सिस्टम। हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। हियर आर इज अ गैस कांस्टेंट, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, टी ए एंड वी ए आर कांस्टेंट, लिस्ट ए वन के अंदर कुछ क्वांटिटीज गिवन है और लिस्ट टू में वो पॉसिबल आंसर्स गिवन है। क्या क्या बोला, वर्क डन निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, हीट एब्जॉर्ब निकालना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इन इफ द प्रोसेस कैरीड आउट फॉर वन मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज शोन इन द फिगर एज पीवी डायग्राम, हमें पी नॉट वी नॉट की वैल्यू 1/3 आर टी नॉट दे रखी है, द करेक्ट मैचेस। अच्छा भाई तो क्वेश्चन में हमें बोलता है वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1, 2, 3, तो सबसे पहले जो वर्क डन बाय द सिस्टम है इन द प्रोसेस 1, 2, 3, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा होना चाहिए। यहाँ पे हम वर्क डन क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे जो वर्क डन होगा दैट वुड बी इक्वल टू पी नॉट इनटू 2v0 माइनस ऑफ v0 व्हिच इज इक्वल टू p0 v0, और ये बराबर हो जाएगा rt0/3 के, देख लीजिए। और ये rt0/3 कहां पे आ रहा है, rt0/3 आ रहा है q वाले ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, सेकंड वाले पार्ट में क्या बोलता है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस 1, 2, 3, इंटरनल एनर्जी का चेंज मांगता है ये, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या हम कहेंगे कि यह एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज आसानी से लिखा जा सकता है, पॉइंट वन पे टेम्परेचर है t0/3, यहाँ पे टेम्परेचर होगा 2t0/3, और यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए t0, करेक्ट। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई डेल्टा यू ऑफ 1, 2 प्लस डेल्टा यू ऑफ 2, 3 इज इक्वल टू जो नेट होगा 1, 2, 3 का, विच इज इक्वल टू 1, 2, कैसा प्रोसेस है, 1, 2 वाला जो प्रोसेस है वो है आइसोबारिक, यानी एन सी पी इंटू 2t0/3 माइनस ऑफ t0/3 प्लस एन सी वी इंटू t0 -2t0/3, और हमें तो पता ही है कि CP की वैल्यू होती है 5R/2 इन द केस ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, और CV की वैल्यू हो जाएगी 3R/2, यानी व्हाट डू आई हैव n नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कुछ कमेंट है क्या, हाँ वो वाली वैल्यू 1 है। सो क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा t0/3 तो निकल के आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 + 3 होता है 8, 8/2 होता है 4, So 4/3 इंटू आर टी नॉट, देख लीजिए भाई क्या ये किसी से मैच करेगा क्या, अभी देखते हैं, 4/3 है, हाँ भी है ना, तो ये हो गया मेरे पास S, ये था हमारे पास Q। Now let us check the third वाला, थर्ड वाला क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1, 2, 3, टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है ये निकालना है। तो जब मैं बात करता हूं थर्ड की, तो हीट एब्जॉर्ब्ड वो होगा कितना, एन CP into क्या लिखूंगा मैं, अच्छा एक चीज रह गई क्या हमारी यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी की जब मैं बात करूं तो मैंने ये एक्चुअल में हीट निकाल दिया आप लोगों के लिए, ये मैंने उल्टा कर दिया काम, ये है थर्ड वाला, ठीक है ना, ये है थर्ड वाला जो कि है हीट, विच इज इक्वल टू हीट इन द प्रोसेस 1, 2 प्लस हीट इन द प्रोसेस ऑफ 2, 3। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, NCV into वापस वही काम करना है 2t0/3 minus of t0/3 plus n times CV t0 minus 2t0/3 and that would give me कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा मेरे पास rt0, देख लो भाई, और यहाँ से जैसे ही मेरे पास rt0 आता है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो तो R वाला सही हो जाएगा। So let me write down over here
ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वाला, ठीक है। चलिए लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस, हीट एब्जॉर्ब सिर्फ वन टू प्रोसेस में, लेकिन ये वन टू प्रोसेस की तो ये नहीं ना हीट, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी मेरे पास एन वन फाइव आर बाय टू इंटू थ्री टी नॉट, सॉरी टी नॉट बाय थ्री, दैट बिकम्स 5R T naught upon 6, कौन सा ऑप्शन है भैया, 5 by 6 वाला U है ऑप्शन, तो ये वाला फाइनली हो जाएगा U, तो कौन कौन से हुए, Q, S, R and U, looking at the options, option B वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन द प्रोसेस ऑन वन मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज शोन द टीवी डायग्राम विद P naught V naught इज इक्वल टू 1/3 R T। इस बार क्या किया, PV की जगह पे R टी वर्सेस वी का ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब हमें वही सब काम करना है, चलिए शुरुआत करते हैं, हमें तो सब आता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट वाला जो प्रोसेस होगा, मैं यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ इस बार थोड़ी जगह कम है, तो फर्स्ट वाले प्रोसेस में वर्क डन इन द कंप्लीट सिस्टम, तो जब मैं वर्क डन निकालना चाहता हूँ इस पूरे सिस्टम का, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टू टू थ्री वाला प्रोसेस तो आईसो, कौन सा प्रोसेस आईसो कोर है, किसमें तो वर्क डन होगा नहीं, लेकिन इस वाले में तो होगा, तो क्या यहाँ पे जो प्रेशर है वो है कितना है भाई, पी नॉट, करेक्ट, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है बताएगा कोई, सो ये हो जाएगा टू टाइम्स पी नॉट, यानी यहाँ पे ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल, करेक्ट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से सिर्फ वन टू का वर्क डन निकलेगा, राइट, सो वर्क डन इन वन टू थ्री में टू थ्री का वर्क डन जीरो होगा, so this would be given as n r t naught by 3 into ln of 2 v naught upon v naught which is equal to r t naught by 3 ln 2, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन से मैच हो रही है, ये हो रहा है मेरे पास ऑप्शन 1 से मैच हो रही है ना, किससे मैच हो रही है, ऑप्शन 1 से, ठीक। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऑप्शन 1 कौन सा है, ऑप्शन पी से मैच हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया पी सही हो गया। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है हमसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस 1 टू 3। अब इंटरनल एनर्जी की बात कर लेंगे लोग, सो अब इंटरनल एनर्जी की भी कर लेते हैं, सो जब मैं इंटरनल एनर्जी की बात करता हूँ तो 1 से 2 तक इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बदला, So, जब मैं बात करता हूं इंटरनल एनर्जी 1 टू 3 प्रोसेस में, 1 टू का कंट्रीब्यूशन 0 है भाई, 2 3 का कंट्रीब्यूशन क्या है, n into cv into t naught minus t naught by 3, cv की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये मोनोटॉमिक गैस है, अगेन 3r by 2, सो 3r by 2 2 t naught by 3, ये हो गया r t naught, r t naught कौन से ऑप्शन में था, r में था, सो ये हो गया r वाला, ठीक है, यहां तक अंडरस्टूड, अगर यहां तक अंडरस्टूड है तो लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड, थर्ड में क्या है, हीट निकालनी है 1 2 3 से, तो हीट निकालने का प्रोसेस क्या होगा, हीट निकालने के लिए हम कहेंगे कि भाई इंटरनल एनर्जी तो जीरो है, और अगर इंटरनल एनर्जी जीरो है तो क्या लिखेंगे हम यहां पे, एच 1 2 3 क्या होने वाला है, 1 से 2 प्रोसेस के अंदर क्या कोई इंटरनल एनर्जी है, नहीं है, इंटरनल का चेंज है, नहीं है, तो क्या ये वाला प्रोसेस होगा वर्क डन 1 2 के बराबर, जो हीट होगी, और इस वाले प्रोसेस में कोई 2 3 प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं है, ये प्रोसेस होगा इंटरनल एनर्जी के चेंज 2 3 के बराबर, सो कैन आई राइट डाउन दिस एज, क्या लिखूंगा, आर टी नॉट एल एन 2 बाय 3 प्लस आर टी नॉट, देख लो भाई क्या इतना समझ आया, चलिए मैच करके देखते हैं, तो कौन से मैच कर रहा है, बिल्कुल हमारे पास है टी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सो अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, फोर्थ बोल रहा था हीट इन द प्रोसेस 1 2, तो यार हीट इन द प्रोसेस 1 2 तो बराबर होगी वर्क डन इन द प्रोसेस 1 2 व्हिच इज इक्वल टू आर टी नॉट एल एन 2 बाय 3, और वो तो पता है हमें किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है P के बराबर है, P के बराबर है ना, हाँ P के बराबर है, looking at the options क्या हो गया, P R P P, अब इसको अगर हम मैच करते हैं तो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये हो रहा है हमारे ऑप्शन सी, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।
सो आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है ये आपके कलीग्स को, आपके क्लासमेट्स को हेल्प करेगी तो इसको शेयर करिएगा उनके साथ, ताकि उनको भी काफी कुछ चीजें समझ में आए, उनका भी सिलेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे जो भी नई वीडियो अपलोड होती है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।